शिशुपाल पागल तो ना है गई, भाभी हम ना पागल है गई, तुम पागल है गई, जा दो चार लड़कियों को बुलाए कि हमें दूल्हा बना। तो आज भाभी दूल्हा बनाने लगी, जग शीश मोरी जबी तारो रे सोई हुई शिशुपाल को दूल्हा बनाया, शीश मोर पे रखा तो वैसे ठीक हो जाती, और जैसे पट्टे पे पैर रखा शिशुपाल गिर जाते, जब गिरे तो सब लड़कियां हंसने लगी, जब जब हंसने लगी तो शिशुपाल को गुस्सा कर रही लड़की हंसना गीत का। तो जिसमें बताते हैं आज भाभी काजर लगाने लगी, शिशुपाल ने कहा लड़कियों से देखो सब सही है, तो एक लड़की बोली इसमें से हाँ सब सही है लेकिन एक कमी है शिशुपाल की, कहा कि काजर नहीं लगा है तुम्हारी आंखों में, लगाने लगी। Thank you.
रही बेटा मान जाओ ना दिल में लुका नारी प्यारी ना दिल में लुका नारी प्यारी तब जावे शान समय भाभी ने काजर लगाएंगे तो शादी करके ही लेके आएंगे ऐसे तो आएंगे नहीं। इधर पंडाल में आ जाए भैया साउंड सर्विस के पास कोई नहीं रुकेगा इधर आए सामने और इधर आप इधर आ जाओ अब रुकमणी आएंगे चल दिए इधर आज इधर रुकमणी का क्या हाल था राजेश सिंह यादव और इसी बीच में हमारे राजेश सिंह यादव जी ने हमें एक से एक मुद्राएं अर्पित करते हैं। हम तो कहते हैं मेरे भैया धर्म के आगे चलते रहें और अपने जीवन के शुभ काम में सफलता प्राप्त करते रहें। देखते हैं दो शब्द भैया मेरे और हमेशा राजा की बिटिया है ताशो घमंडो रुकमणी को कि नहीं हमारी रुकमणी राजा की बिटिया है लेकिन हमारी रुकमणी को घमंडो नहीं है तो तुरंत आ गई तो एक सहेली कहने लगी कह बहन तुम्हारी तो शादी रुक गई अब तो रुकमणी कहने लगी ऊपर आ जाए दो तखत होते यहाँ पर ठीक है ऊपर आ जाओ तो रुकमणी कहने लगी नहीं बहन शादी नहीं हमारी तो बर्बादी है गई कि क्यों कि इसलिए हो गई मैं तो शादी भगवान योगी राज के साथ करना चाहती हैं लेकिन हमारा भाई ने अपनी शादी मेरी शादी अपने साले के साथ में तय कर दी लेकिन बहना देखो हम शादी नहीं करूंगी उनके साथ में अगर शादी करी तो मैं मर जाऊंगी लेकिन उनके साथ में शादी नहीं करूंगी मैं अपने श्याम सुंदर को छोड़ करके किसी और के साथ में विवाह नहीं करूंगी। आगे को बोली बोली आंखों में आंसू भर के रुकमणी बोली है
जो शिशुपाल दूल्हा बन आयो मैं खाए जय मर
वो भैया करिया नांग बनो शिशुपाल जवाब दिया है अगर मेरी शादी हुआ ब्राह्मण देवता का आना हुआ रुकमणी थपक थपक के रो रही थी। ब्राह्मण देवता बोले काय को रो रही, कल शादी है आज सवाई आंसू ढरकाए दे रही। अरे बाबा जी तुम्हें नहीं पता मेरी शादी नहीं मेरी बर्बादी है। कि क्यों? कि मेरे भैया ने अपने साले के लिए मेरी शादी तय कर दी लेकिन मैं उनको नहीं चाहती हूँ। ब्राह्मण देवता बोले तो तू किन्हें चाहता? कि मैं तो उन्हें चाहती हूँ द्वारकाधीश यादगंज सरकार भगवान कन्हैया को। कन्हैया को देखो है कैसे लगत, काले हैं कि गोरे हैं कि नहीं? कि हाँ महात्मा जी मैंने देखा है। कि कहाँ देखा है? सुनो कि मैंने सपने में सैया को देखो जी। मेरे श्याम सुंदर कैसे लगते हैं? बाबा जी हमने अपने प्रीतम को सपनों में देखा है और उन्होंने कहा था कि श्री ब्राह्मण देवता से कह के मुझे बुलवा। तो महात्मा कहने लगे जे तो भाई सावेगो जो बोले भाई खुंडी खोले। हमने तुमसे सुख चैन पूछ लो बिटिया कैसे परेशान हो, अब तुम कह रही खत दे आप। तो रुकमणी कहने लगी
जी बाबा जी अगर तुम मेरा खत लेके नहीं गए तो तुम्हारे सामने मैं आत्महत्या कर लूंगी और तुम्हारा इंजाम तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। महात्मा कहने लगे अगर लड़की नहीं मर गई जो तो सबसे बड़ो पाप हमारे ऊपर है, चलो ठीक है लिखाओ खत। आज रुकमणी जिस समय खत लिखने लगी बैठ के खत लिखा है देवता लेके जाने लगे तो चलते चलते कहां पहुंचे, दोपहरी बिलमाए पहली पे लमाई ले जाई बकिया में तो पहली पे लमाई
वहीं पर पीपल की छाया को देखा, बैठ गए। इधर भगवान कन्हैया ने सोची अब तो खत आने में बड़ा टाइम लग जाएगा। फिर माया योगी से भगवान कन्हैया ने ब्राह्मण देवता को उठाया, उठा के द्वारका नगरी में देखा तो द्वारका नगरी में ब्राह्मण देवता की नैन को खुले, तो जिस समय नैन खुले तो बलराम की वो सभा लगी हुई थी। आ जाओ पीछे वाले। तो बलराम की वो सभा लगी थी, एक से पूछा जो कन्हैया कहाँ मिलेगा, तो दूसरा बोला आगे चले जा महात्मा जी। तो एक दूसरे से कही कन्हैया कहाँ मिलेगा, तो कि सोई बलराम बोल परे जुई करिया खड़ो है। हाय दैया रे कहाँ रुको मड़ी कहाँ झुक करिया, बिल्कुल मोड़ी के तो भाग फूट गई, बेकार संग शादी कराए दे। जब इतने वचन सुने भगवान कन्हैया कहने लगे, ऐसी मुस्की मुस्काते हैं ब्राह्मण देवता की तरफ, जो ब्राह्मण देवता को भी मोहित कर लेते हैं। जब ब्राह्मण देवता को मोहित किया है तो कि कैसे आना हुआ, कि आना कैसे हुआ कि महाराज भीष्म की बेटिया आपका बड़ा इंतजार कर रही, कह रही है शादी करेंगे तो तुम्हारे साथ करेंगे, न था किसी और के साथ नहीं करेंगे। जब इतने वचन करे थे खत को दिया, तो खत ले लिया महाराज, पूरा खत पढ़ लिया। पढ़ने के बाद में भगवान योगीराज कहने लगे, ऐसे तो जानना दिए बलराम भैया, तुम ऐसे करो महात्मा जी कुछ बीमारी को नाटक कर ले कि ठीक है। तो जैसे ही बीमारी का नाटक किया है भैया खुल खाए करते, तो बलराम कहने लगे कन्हैया ऐसो करो ब्राह्मण देवता की तबीयत ठीक ना है, थोड़ी दूर रथ से तू छोड़िया कि ठीक है। तो रथ से थोड़ी देर छोड़ने के लिए गए हैं भैया, तो रथ पे बैठे भगवान की ऐसी माया हुई, सीधी जाकर के कुंदनपुर में लगे जाकर। और इधर ही भगवान से कहा तुम गौरी मैया के मंदिर में इंतजार करना, मैं रुकमणी को लेके अभी आता हूँ कि ठीक है। आज ब्राह्मण देवता चले और इधर रुकमणी से कहा, रुकमणी से कहा कर खड़े रहो, खड़े रहो। तो रुकमणी से कहा कर एक सेकंड तुम इधर आ जाओ, तुम इधर ब्राह्मण देवता इधर आ जाए, इधर आओ। तो ब्राह्मण देवता कहने लगे, अरे मोड़ी तू बड़ी पागल है रही थी, तू तो ना आओ करिया, नहीं शाम मेरे शाम ऐसा नहीं कर सकती, मेरे शाम मैं तो मर जाऊंगी, काय को मरी जाते, चल वे गौरी मैया के इंतजार कर रहे चल जा, अब मेरे भोजन कौन करे। रुकमणी कहने लगी बाबा जी आप हमारे द्वारका नगरी में आएंगे तब मैं वहीं पर आपको भोजन कराएंगे। और आज रुकमणी इतनी बात करके ब्राह्मण देवता से चली आती है और थाल को सजाया है, थाली रखी होगी वहां पर,
जाओ। और जैसे ही गई तो अपनी मैया के गले में बैया डाल के रोने लगी। आजा पीछे वाली जो माई बहने हैं सामने आ जाए, आ जाओ। तो मैया के गले में बैया डाल के रुकमणी रोने लगी। जिस समय रुकमणी रोई है तो मैया कहने लगी, कल है शादी, आज काय को रो रही। तो रुकमणी कहने लगी, मैया तुम्हें न पता, हमें तो ऐसो लग रो आज ही तुम्हारे गले में बैया डाल के रो ले। मैया रोई कि रुकमणी रोए रही, रोती रही मैया कहने लगी, आज तो शादी नहीं, कल है, कल रो लियो विदाई की टाइम, ठीक है। कहने लगी, नहीं मैया, हमें तो ऐसा लगता है आज ही तेरे गले में बैया डाल कर रो ले। तो ऐसे ही रुकम आ जाता पास में, और ये लड़की कहाँ जा रही है कि भैया मैं तो गौरी मैया के मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही हूँ। कि क्यों? कि कल तो मेरी शादी है, मैं आज ही यहाँ से जा रही हूँ मैया। कि अकेली नहीं जाओगी, दो चार सखियों को साथ ले लो। फिर आगे की जो, और जैसे ही आगे को बढ़ी है परीक्षित जी, तो भगवान कन्हैया भाई गौरी मैया के मंदिर में इंतजार कर रहे थे। और रुकमणी की जो सहेलियां थी, रुकमणी जैसी लगती थी परीक्षित जी, भगवान कन्हैया बड़े सोच में पड़े गए। ये आ जाओ तखत, ये आ जाओ कैमरा सामने मुंह करे होगी, ठीक है। हाँ, भगवान कन्हैया सोचने लगे, अब क्या करें, जे तो सब एक तार है। भगवान कन्हैया सोचने लगे, अब क्या करेंगे।
महाराज भगवान कन्हैया सोचन पड़ गए जा में कौन सी रुकमणी है, अब क्या करें। भगवान कन्हैया रथ पे बैठे हैं, रुकमणी समझ गई कि भगवान कन्हैया काय की बारे बैठे हैं, तो जाकर के रुकमणी ने कहा श्याम अपनी बंसी दिखाना। तो श्याम कहने लगे जो बजाई हमने बसुरिया, तुझे कुंदनपुर वाले हमारी तोड़ दिए बसुरिया। ढोलक वाले भैया देख ले, तो आज जिसने बताया है तो कि चलो कोई बात नहीं, तो बजा के तो दिखा दो कि नहीं। रुकमणी ने भाई हाथ पकड़ाओ, जय हाथ में गलावा बदो तो कंकन। तो भगवान कन्हैया समझ गए जय रुकमणी है, और जैसे ही रुकमणी को रथ में डालो वे सखियां रो रो के मैया के पास गिरी जाए। मैया सुनी तो करिया तो हाई जिज्जी को लेगो सुना।